चौटाला साहब संबोधित करें उससे पहले नारे बोल करके एक बार अपनी ताकत का एहसास कराने का काम करें। लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान कमेरा गार्डा हमदर्द चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। किसान कमेरा के साथी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रधान जी, सम्मानित मंच और इस सभा स्थल में उपस्थित हरियाणा प्रदेश के हर क्षेत्र से आए हुए पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता साथियों, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और आप आए चौधरी देवीलाल के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके मैं भी उनके जन्मदिवस पर उनको समर्पण भाव से सम्मानित करूंगा। और आपको ये वायदा दिला करके जा रहा हूं कि आप लोगों के सहयोग और समर्थन से जब हरियाणा प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार बनेगी, जो पूर्ण रूप से निश्चित आज हर आदमी की जबान पर एक बात है कि जब भी चुनाव होंगे हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज एक खलक नगाड़ा एक खुदा, कि जनता की जो आवाज़ होती है वो भगवान का नगाड़ा होता है। निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद मैं आपकी सारी दुख तकलीफ और मुसीबतों का निवारण करने का काम करूँगा। ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, अगर अतीत में हमने अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज़्यादा अच्छे काम करेंगे। हम बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करेंगे। आपके बीच में 10.5 साल के बाद आने का मुझे अवसर मिला। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवाने का काम किया और फिर मेरी गैर हाजिरी में एक दुष्प्रचार किया कि अब चौटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाएगी। आप बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत बनाया। मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ, आज आपके संगठन की मजबूती की बहुत आवश्यकता है। ये जन सम्मान इस बात को प्रमाणित करता है कि आपने निश्चित रूप से इस भ्रष्ट और कृप्त सरकार को बदलने का मन बना लिया। जेल से रिहा होने के बाद पहली दफा मुझे उन साथियों का आभार करने का अवसर मिला जो पिछले 10 महीनों से किसान के हितार्थ आंदोलन में जूझ रहे, दिल्ली के बॉर्डर पर सड़कों पर बैठे, गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना, बारिश की परवाह किए बिना भूखे प्यासे किसान आज आपके अधिकारों के लिए
संघर्ष में जूझ रहे, और मुझे गौर से देखने का अवसर मिला कि उस संघर्ष में केवल किसान ही नहीं, आज 36 बिरादरी के लोग शामिल, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हरिजन बैकवर्ड व्यापारी कर्मचारी कारखानेदार और मजदूर किसान और कमेरा 36 बिरादरी के लोग इस कुशासन का अंत करने के लिए मन बनाए बैठे। उनकी भावनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आप सबकी जिम्मेवारी बन जाती है कि आप संगठन को पहले के मुकाबले में और ज़्यादा मजबूत बनाएं। संगठन जब मजबूत होगा तो निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी। अभी हरियाणा प्रदेश में एलनाबाद के विधानसभा क्षेत्र की सीट खाली है। भारतवर्ष के संविधान के मुताबिक अगर कोई सीट खाली होती है तो उसका चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर कराना पड़ता है, लेकिन सरकार इस डर से उस चुनाव को टालती जा रही है कि सरकार में तुम्हारी हार होगी, इसलिए वो इस चुनाव को टाल रहे हैं। लेकिन बकरे की माँ कैथा और टालेगी, आखिर तो चुनाव कराना ही पड़ेगा, और जब चुनाव होंगे तो फिर निश्चित रूप से आपकी पार्टी का प्रत्याशी दूसरे सभी प्रत्याशियों की जमानतें जब्त कराने का काम करेगा। आपका आंदोलन सफल होगा, इस देश में किसानों के अधिकारों की लड़ाई के लिए इससे पहले भी 4 किसान आंदोलन हुए। वर्ष 1907 में पगड़ी संभाल जट्टा के नाम पर एक आंदोलन चला था, उसे बहुत कामयाबी मिली थी। सन 1917 में बिहार का चंपारण आंदोलन भी इस बात का प्रमाण है कि किसान वर्ग के लोग आज अपने अधिकारों के लिए पूर्ण रूप से सजग है। 1918 में गुजरात का खेदा आंदोलन और वर्ष 1928 में गुजरात का बारडोली आंदोलन इस बात का प्रमाण है कि सभी आंदोलनों में किसानों की जीत हुई। निश्चित रूप से इस आंदोलन में आपकी जीत होगी, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि संगठन को मजबूत बनाओ। जात बड़ी नहीं होती, जमात बड़ी होती है, और जमात जब बड़ी होगी तो फिर निश्चित रूप से परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी, सरकार आपकी बनेगी, और जब आपकी सरकार बढ़ेगी तो देसी भाषा में आपको एक बात कह के जा रहा हूँ, राज बना लो फिर थारे सारे खोट में काट दो, कोई दिक्कत और कठिनाई नहीं। 3210 बच्चों को नौकरी देने के नाम पर मुझे 10 साल की बजाय 10.5 साल जेल काटनी पड़ी थी। अब के मैं आपसे वायदा करता हूँ कि सरकार बनने के बाद हम हर पढ़े लिखे युवक को उसकी योग्यता के मुताबिक सरकारी नौकरी देंगे, चाहे कोई हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई, चाहे हरिजन है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे मजदूर है या किसान है, चाहे किसान है या कमेरा, हम सबको उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी देने का काम करें। और गांव का और शहर का जो कोई आदमी अच्छे पद पर बैठेगा फिर वो गांव की भलाई की बात सोचेगा कि नहीं सोचेगा, इसलिए योग्य लोगों को अच्छे पदों पर बिठाने का काम हम करेंगे। चाहे उस योग्य बच्चे के माँ बाप ने किसी कारणवश मजबूरी में आके वोट कहीं भी दिया हो, हम इसमें वोट की राजनीति का दखल नहीं माने। किसी योग्य माँ बाप के गलत निर्णय की वजह से उसको सजा मिले, हम इसके पक्षधर नहीं हैं। हम हर बच्चे को नौकरी देंगे, चाहे मुझे बाद में फांसी टूटना पड़े, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। मैं चाहता हूँ
हरियाणा को सम्मान मिले, हरियाणा का किसान और कमेरे को रोजगार मिले, हरियाणा का आपसी भाईचारा मजबूत हो, और जब 36 जात के लोग इकट्ठे होंगे तो फिर जात पात का जहर फैलाने वाले इस लुटेरी सरकार का पतन निश्चित रूप से होगा। फिर आपकी सरकार बनेगी, और जब आपकी सरकार बनेगी तो फिर आपको अनेक प्रकार की सहूलियात और सुविधाएं मिलेगी। इसलिए आप इतनी भारी संख्या में आए, ये कोई पहला अवसर नहीं है। जब भी हमारी जनसभाएं